गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 13 कंजंक्शन की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 13 कंजंक्शन की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो क्या है, सर्कल द कंजंक्शन इन दीज सेंटेंसेस। आपको क्या करना है, जो यहाँ सेंटेंसेस दिए हैं उनमें जो कंजंक्शन है उस पर आपको सर्कल करना है। ठीक है। अमित फेल ऑफ हिज बाइक इन सरप्राइज। अमित फेल ऑफ हिज बाइक इन सरप्राइज व्हेन ही सॉ अ टाइगर ऑन द रोड। मतलब अमित अपनी बाइक से सरप्राइज होकर गिर गया, मतलब अमित आश्चर्य में अपनी बाइक से गिर गया। When he saw a tiger on the road, जब उसने सड़क पर एक टाइगर देखा, मतलब जब उसने सड़क पर एक बाघ देखा। तो क्या हुआ बच्चों, जब उसने सड़क पर एक बाघ देखा तब वह आश्चर्य में अपनी बाइक से गिर गया। तो अमित अपनी बाइक से गिर गया जब उसने सड़क पर एक बाघ देखा। तो यहाँ पर आपकी जो कंजंक्शन है वो क्या है बच्चों, व्हेन। यहाँ पर आपकी जो कंजंक्शन है वो क्या है, व्हेन। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस क्या है, जय वॉज गिवन एन आइसक्रीम बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट। जय वॉज गिवन एन आइसक्रीम, मतलब जय ने एक आइसक्रीम दी थी। Because it was very hot, क्योंकि बहुत गर्मी थी। क्यों दी थी जय ने आइसक्रीम, क्योंकि बहुत गर्मी थी। समझ आया? तो यहाँ पर आपकी जो कंजंक्शन है वो क्या है, because। कंजंक्शन क्या है यहाँ पर आपकी, because। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, Pali was outside, मतलब Pali बाहर थी। While it was raining, जबकि बारिश हो रही थी। पाली बाहर थी जबकि बारिश हो रही थी तब भी पाली कहाँ थी, बाहर थी। तो यहाँ पर आपका जो कंजंक्शन है वो क्या है, while। क्या है बच्चों, while। क्योंकि पाली बाहर थी जबकि बारिश हो रही थी। तो इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, while कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर कौन सी कंजंक्शन यूज हो रही है, while। ठीक है। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, सैला टर्न ऑन द टैप, मतलब सैला ने क्या किया, टैप मोड़ा। एंड फिल द बार बकेट, और बार बकेट भरी, मतलब सैला ने नल मोड़ा और बकेट मतलब बाल्टी भरी। सैला ने क्या किया, टैप को टर्न किया और बकेट भरी। ठीक है। इसमें तो अब बताइए आप क्या हो सकता है, इसमें दो सेंटेंसेस को कौन जोड़ रहा है बताइए आप मुझे, एंड जोड़ रहा है। तो यहां पर आपकी कंजंक्शन क्या है, एंड, क्योंकि दोनों सेंटेंस अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं, इक्वल महत्वता रखते हैं इसीलिए। चलिए अगला देखिए। अगला सेंटेंस क्या है, वी वेंट फॉर अ स्विम, मतलब हम तैरने के लिए गए। बट द वॉटर वॉज नॉट क्लीन, लेकिन पानी साफ नहीं था। हम तैरने तो गए लेकिन पानी कैसा था, गंदा था, साफ नहीं था। तो यहां पर आप बता सकते हैं कि कंजंक्शन क्या है, बट। कौन सी है कंजंक्शन यहाँ पर, बट। क्योंकि यहाँ जो दो सेंटेंसेस को, मतलब बट से हम यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपकी कंजंक्शन है वो क्या है, बट। हम तैरने गए लेकिन पानी साफ नहीं था। तो यहां पर आपकी कंजंक्शन क्या हुई, बट। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, एंथनी वाज लेट फॉर स्कूल, मतलब एंथनी स्कूल के लिए लेट था। सो मिस्ड द असेंबली, इसीलिए उसने असेंबली मिस्ड कर दी। ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, उसने असेंबली मिस्ड कर दी। तो यहां पर वो लेट था इसीलिए उसकी असेंबली मिस्ड हुई। तो यहां पर आपकी जो कंजंक्शन है वो क्या है, सो। यहां पर आपकी जो कंजंक्शन है वो क्या है बच्चों, सो। ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला क्या है,
तो जो हमारा 7 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, वी स्विच्ड द गीजर ऑन बिकॉज द वॉटर वॉज कोल्ड। मतलब उसने क्या किया, गीजर को स्विच किया, मतलब गीजर का जो बटन था उसे दबाया, बिकॉज वॉटर वॉज कोल्ड, क्योंकि पानी ठंडा था। उसने गीजर क्यों स्विच किया, क्योंकि पानी ठंडा था। ठीक है, तो यहां पर जो आपकी कंजंक्शन है वो क्या है, बिकॉज। चलिए अगला देखिए, मिस्टर जोशी इज अ गुड टीचर ऑफ मैथ एंड साइंस। मतलब मिस्टर जोशी मैथ और साइंस के एक अच्छे टीचर हैं। तो यहां पर आपकी जो कंजंक्शन है वो क्या है, एंड, क्योंकि वह मैथ और साइंस दो शब्दों को ज्वाइन कर रही है, जोड़ रही है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जो एंड है वो आपकी कंजंक्शन है। चलिए अगला देखिए, तो 9 नंबर का जो आपका सेंटेंस है वो क्या है, अपर्णा स्विच्ड ऑफ द लाइट। मतलब अपर्णा ने लाइट बंद करी एंड वेंट टू स्लीप और सो गई। तो यहां पर अपर्णा ने क्या किया, लाइट ऑफ करी एंड वह सो गई। तो यहां पर आपकी जो कंजंक्शन है वो है एंड, क्योंकि अपर्णा ने दो काम किए, एक तो लाइट बंद की और सो गई। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जो एंड है वो क्या है, कंजंक्शन है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, तो 10 नंबर का सेंटेंस क्या है, सोनू ड्रू अ हॉर्स। मतलब सोनू ने एक घोड़ा बनाया, बट इट लुक्ड लाइक अ काउ, लेकिन वह गाय जैसा दिखा। मतलब सोनू ने एक घोड़ा बनाया लेकिन वह गाय जैसा दिखता था। तो इसमें बताइए जो आपकी कंजंक्शन है वो क्या है बच्चों, बट। कंजंक्शन क्या है आपकी यहां पर, बट। वैसे तो सोनू ने क्या, एक घोड़ा बनाया था, लेकिन वो कैसा दिख रहा था, गाय जैसा दिखता था। तो इसीलिए यहां पर आपकी जो कंजंक्शन हुई वो हुई बट। तो बच्चों आपको एक्सरसाइज नंबर ए समझ आया। चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो बी नंबर की जो हमारी एक्सरसाइज है वो क्या है, देखिए, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग कंजंक्शन गिवन ब्लो। आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पर जो कंजंक्शन दी हैं, आपको उनका यूज करके इन सेंटेंसेस में कंजंक्शन को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो चलिए आपको देखिए हर जगह दो सेंटेंस दिख रहे हैं, तो आप इन दोनों के बीच में क्या लगाओगे, कंजंक्शन को जोड़ोगे। तो चलिए पहला जो सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, देखिए आप क्या है बताइए मुझे, सलोनी डिड नॉट गो आउट, इट वॉज रेनिंग। सलोनी डिड नॉट गो आउट मतलब सलोनी बाहर नहीं गई, इट वॉज रेनिंग क्योंकि बारिश हो रही थी। तो यहां पर बच्चों आप क्या जोड़ रहे हो, क्योंकि। ये सेंटेंस कौन सी हमारी कंजंक्शन जोड़ रही है, क्योंकि। सलोनी बाहर क्यों नहीं गई, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो आपको रीजन पता चल रहा है ना, तो चलिए लिखते हैं, तो सलोनी डिड नॉट गो आउट बिकॉज it was raining। तो बच्चों आपने समझा कि आपको क्या करना है, आपको जो सेकंड सेंटेंस का इट है, देखिए यहां पर कैपिटल बना है पर आपको स्मॉल बनाना है, क्योंकि अब ये सेंटेंस पूरा एक हो गया। ओके, तो इसीलिए क्या हुआ, सलोनी डिड नॉट गो आउट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। मतलब सलोनी बाहर नहीं गई क्योंकि बारिश हो रही थी। तो बच्चों आपको जो दूसरे सेंटेंस का जो भी फर्स्ट लेटर है उसको स्मॉल ही बनाना है। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए, तो जो हमारा सेकंड नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, ही वर्क्ड हार्ड मतलब उसने बहुत मेहनत की, वह फेल हो गया। तो बच्चों यहां पर हम क्या फिल करेंगे, बट, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की लेकिन वह फेल हो गया। उसने बहुत मेहनत तो की लेकिन क्या हुआ बच्चों, वह फेल हो गया। तो आप कैसे लिखोगे, ही वर्क्ड
हार्ड बट। अब बच्चों ये ही नहीं आएगा क्योंकि हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना, तो बार बार हमको सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बट फेल्ड। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने मेहनत की लेकिन फेल हो गया, उसने मेहनत की लेकिन फेल हो गया, तो क्या हुआ, ही वर्कड हार्ड बट फेल, ही वर्कड हार्ड बट फेल। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है बच्चों, ईट अ मैंगो ईट एन एप्पल। तो अब आप कैसे बनाओगे, ईट अ मैंगो और एन एप्पल। आप दोबारा ईट नहीं लगाओगे, एक मैंगो खाओ या एप्पल, तो आपको दोबारा ईट लगाने की जरूरत है, बताइए आप मुझे, नहीं है। तो ईट अ मैंगो और एन एप्पल, क्योंकि हम एक ही बार लगा हमने जब एक बार लगाया तो हमें समझ में आ रहा है दोबारा भी हम उसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर चॉइस मैंगो और एप्पल में है, खाने में नहीं है। तो ईट अ मैंगो और एन एप्पल मतलब एक सेब या आम खाओ। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, और का यूज किया, ईट और ईट अ मैंगो और एन एप्पल मतलब एक सेब और एक आम खाओ। ठीक है, चलिए अगला देखिए, देयर वर क्लाउड्स, देयर वर क्लाउड, बारिश हो रही मतलब बादल थे, देयर वर क्लाउड बादल थे, इट डिड नॉट रेन, हालांकि बारिश नहीं हुई, तो यहां पर आप किसका यूज करोगे, ऑल्दो का। ठीक है, तो देयर वर, देयर वर क्लाउड्स ऑल्दो तो देयर वर क्लाउड्स ऑल्दो इट डिड नॉट रेन मतलब बादल थे हालांकि बारिश नहीं हुई, बादल थे हालांकि बारिश नहीं हुई, देवर क्लाउड्स बादल थे जबकि बारिश नहीं हुई या हालांकि बारिश नहीं हुई, तो इसमें हमने क्या लगाया बच्चों, ऑल दो, कौन सी कंजंक्शन का यूज किया, ऑल दो। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं, तो अगला सेंटेंस क्या है आपका, तो क्या है फिफ्थ नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, दे डिड नॉट वर्क हार्ड दे फेल्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम नहीं किया इसीलिए वे फेल हो गए, तो यहां पर आप कौन सी कंजंक्शन का यूज करोगे, सो, कौन सी कंजंक्शन का यूज करोगे, सो, तो दे डिड नॉट वर्क हार्ड सो फेल्ड, दे डिड नॉट वर्क हार्ड सो फेल्ड मतलब उन्होंने कठिन परिश्रम नहीं किया इसीलिए वे फेल हो गए, समझ आया, दे डिड नॉट वर्क हार्ड सो फेल्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम नहीं किया इसीलिए वे फेल हो गए। तो बच्चों हम दो दो बार प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, एक ही बार करना है आपको। ओके, जब हम यहाँ लगा रहे हैं तो उसी प्रोनाउन का यूज हम दोबारा क्यों करें, हम जब इसको एक सेंटेंस बना रहे हैं ना, यहाँ पर तो देखिए दो अलग अलग सेंटेंस दिया है, दो बार फुल स्टॉप लगा है, पर अब हम इसको एक कंजंक्शन जोड़कर इसको एक सेंटेंस बना रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर दोबारा प्रोनाउन मतलब दूसरी वाली जो प्रोनाउन है उसका यूज नहीं करेंगे, और एक ही है ना इसीलिए। चलिए अगला देखिए, तो जो हमारा सिक्स नंबर का सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, देखिए, He was invited. वह आमंत्रित थे. He did not attend the party. लेकिन उसने पार्टी अटेंड नहीं की. लेकिन वह पार्टी में नहीं गया. ठीक है, मतलब शामिल नहीं हुआ. तो इसमें हमने कौन सी कंजंक्शन लगा रहे हैं हम? But. तो he was
इनवाइटेड बट वह आमंत्रित था लेकिन वह पार्टी में नहीं गया बट ही डिड नॉट अटेंड द पार्टी अटेंड द पार्टी ठीक है तो बच्चों आपको समझ आया दे इन्वाइटेड बट ही डिड नॉट अटेंड द पार्टी वह इन्वाइटेड था लेकिन वह पार्टी में नहीं गया तो बच्चों आपको पता चला यहां पर हमने कौन सी कंजंक्शन का यूज किया बट तो आपको ये दोनों एक्सरसाइज समझ आई तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है आज आपको होमवर्क में इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 13 की एक्सरसाइज नंबर ए एंड बी अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है ओके आज आपको क्या करना है आज आपको होमवर्क में इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 13 की एक्सरसाइज नंबर ए एंड बी अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है कैसी राइटिंग में साफ और सुंदर राइटिंग में ओके चलिए आज के लिए बस इतना ही गुड बाय